Hello students, today we are going to discuss about security. Security is basically freedom from threats. Khatron se azadi ko hi security kaha jata hai, suraksha kaha jata hai. Iske teen main dimensions hai, that is to prevent the war, to limit the war and to end the war. War hone se apne desh ko bachana, war agar ho gaya hai to use kam karna ya fir war ko khatam kar dena. So security is always related to kind of threats. These threats could be numerous. Ye threats anginat ho sakte hain, jinke baare mein hum is chapter mein two different notions ke basis par read karenge. Do different notions hote hain. One is traditional notion and another is non-traditional notion. Traditional notion is further divided into two aspects, that is internal aspect and external aspect. Today in this lecture, we will be discussing about external aspects of traditional notion. But first of all, I need to tell that what is the difference between traditional notion of security and non-traditional of security. Traditional notion is always related to one country. That is a certain kind of attack which come to a country either from within the country or from outside the country. But non-traditional notion is related to each and every country. Those are the threats which are beyond military. Those are the threats to human existence which is being faced by each and every country of the world, and collective responsibility is required from each and every country to combat those notions. So I think it has been cleared ki what is the difference between traditional notion. Traditional notion wo notion hai jo ek country ko single-handedly face karne padte hain. ये नोशन दो में डिवाइडेड हैं, इंटरनल में और एक्सटर्नल में. आज के इस लेक्चर में हम एक्सटर्नल पे डिस्कशन करने वाले हैं. एक्सटर्नल एस्पेक्ट के चार मेन एलिमेंट्स हैं. पहला है मिलिट्री एक्शन, दूसरा है गवर्नमेंट्स एरिया ऑफ चॉइस, तीसरा है बैलेंस ऑफ पावर एंड चौथा है अलायंस बिल्डिंग. फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एक्सटर्नल एस्पेक्ट ऑफ ट्रेडिशनल नोशन इज मिलिट्री एक्शन, सेकेंड इज गवर्नमेंट्स एरिया ऑफ चॉइस, थर्ड इज बैलेंस ऑफ पावर एंड फोर्थ इज अलायंस बिल्डिंग. आपने अलायंस बिल्डिंग के बारे में थोड़ा बहुत कोल्ड वॉर वाले चैप्टर में जो है डिस्कस किया होगा, बट आज मैं आपको इसके हर एक पहलू तक लेकर जाऊंगी. तो मिलिट्री एक्शन बेसिकली होता है सैन्य हमला, किसी भी कंट्री का किसी दूसरी कंट्री पर मिलिट्रली अटैक करना, उसको कहा जाता है मिलिट्री एक्शन. एक कंट्री दूसरी कंट्री पर अटैक किस पर्पज से करती है? इसी पर्पज़ से करती है कि यहाँ तो उसे उस कंट्री की सॉवरेनिटी ख़त्म करनी है. सॉवरेनिटी का मतलब होता है संप्रभुता, उसका मतलब होता है वहाँ की सुप्रीमेसी ख़त्म करनी है, यानी कि उनकी सरकार को उनसे छीनना है. दूसरा, उनकी आज़ादी उनसे छीननी है, उनकी इंडिपेंडेंस उनसे छीननी है. तीसरा, यहाँ तो उनका क्षेत्रीय अखंडता को ख़त्म करना है, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को हार्म करना है. और मिलिट्री एक्शन सिर्फ सोल्जर्स को हर्ट करने के लिए नहीं किया जाता. मिलिट्री एक्शन इज़ ऑलवेज डन टू इम्पैक्ट द होल कंट्री, टू मेक एन इम्पैक्ट ऑन ऑर्डनरी पीपल ऑफ द कंट्री, टू हार्म द ऑर्डनरी पीपल ऑफ द कंट्री इज़ द मेन मोटिव ऑफ द मिलिट्री एक्शन बींग डन बाई वन कंट्री ऑन अनदर. And the second major element is government's area of choice. अब जब किसी कंट्री पर अटैक हो जाता है तो चॉइस सामने आती है गवर्नमेंट के. गवर्नमेंट के पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव होते हैं अपनी चॉइसेस के, एंड तीन मेन ऑल्टरनेटिव्स हैं जो एक गवर्नमेंट के पास आते हैं, जिनमें से पहला है टू सरेंडर. सरेंडर इज़ कि आप अपनी पावर को, अपनी वॉर को वहीं पर आत्मसमर्पण कर दिया जाए, रोक दिया जाए, आप हार मान लें. और बेस्ट गवर्नमेंट यूजुअली सरेंडर ही करती हैं अगर सामने वाली पावर काफ़ी स्ट्रांग है तो. लेकिन वो उसे कभी भी अपनी फॉरेन पॉलिसी का या एक्सटर्नल पॉलिसी का पार्ट नहीं मानती कि वो सरेंडर करते हैं. सेकेंड इज़ टू प्रिवेंट द वॉर, वॉर में सामना करना, लड़ना, कोशिश करना कि वॉर को ख़त्म किया जाए और सामने वाली ताकत की, कंट्री की बात मान ली जाए कुछ हद तक. थर्ड वन इज़ टू एंड द वॉर, टू डिफेंड द वॉर, वॉर को सामने से लड़ना कंट्री के साथ. सो ये गवर्नमेंट्स एरिया ऑफ चॉइसेस हैं जो गवर्नमेंट के सामने आती हैं. देन थर्ड मेन एलिमेंट इज़ बैलेंस ऑफ पावर. Balance of power simply means balance between bigger countries and smaller countries. You know that our world is divided into two kind of powers, two kind of countries. Some are very developed and some are very undeveloping. So balance of power is like to maintain balance. Ek balance banaya jaye
छोटे देशों में अथवा बड़े देशों में. और ये बैलेंस बनाने का सबसे बड़ा कारण यही है, टू अवॉइड थ्रेट्स, टू अवॉइड काइंड ऑफ वॉर विच हैपन विद इन द कंट्रीज एंड अक्रॉस द कंट्रीज. नेक्स्ट मेन एलिमेंट इज अलायंस बिल्डिंग. अलायंस बिल्डिंग, जैसे मैंने कहा आप पहले भी इस वर्ड से वाकिफ होंगे, तो इसका मतलब होता है बेसिकली एक ऐसा देश या एक छोटा देश जो अपने आप को एक कमज़ोर देश समझता है, वह एक बड़े देश के साथ अलायंसेस फॉर्म कर लेता है वॉर को प्रिवेंट करने के लिए, वॉर को लिमिट करने के लिए, या फिर वॉर को एंड करने के लिए, या अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए, अपने आप को सिक्योर रखने के लिए, अपने आप को सिक्योरिटी पॉलिसी का पार्ट बनाने के लिए. अलायंसेस इज काइंड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स. ठीक है, ये ग्रुप्स बनाए जाते हैं देशों के बीच में. दो ग्रुप्स जो मेन बनाए गए थे आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर वर नैटो एंड वॉर्सो पैक्ट. नैटो इज नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन विच वॉज फॉर्म्ड इन 1949 एंड वॉर्सो पैक्ट वॉज फॉर्म्ड इन 1955. सो दीज वर द मेजर अलायंसेज बींग फॉर्म्ड on the basis of their ideology. One was capitalistic and another was communistic. So these kind of alliances are formed to deter the war, to prevent the war and to end the war, and to have a kind of certain security in the country. अलायंसेज इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि देश आपस में अपने आप को सुरक्षित रख सकें, अपने आप को युद्ध से बचाव में रख सकें, उसे ख़त्म कर सकें, उसे जो है कम करने की कोशिश कर सकें. सो दिस वॉज द टुडेज लेक्चर ऑल अबाउट एक्सटर्नल एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रेडिशनल नोशन. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट नॉन ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी. Till then, keep following us, and if you have any questions, please put up those questions in the comment section given below, and I'll be putting important questions for you guys for these upcoming boards so that you can prepare well, and all the best for your board exams. Thank you.